नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय के दो सटीक लक्षणों के बारे में। दोस्तों, अगर ये लक्षण आपसे मिले तो हो सकता है कि आपके घर आने वाला नन्हा राजकुमार प्यारा सा लड़का ही हो। दोस्तों, गर्भवती होना हर महिला के जीवन का एक सुखद एवं खुशनुमा सा पल होता है। जैसे ही किसी महिला पहली बार गर्भधारण करती है तो गर्भधारण करते ही उनके मन में यह जानने की उत्सुकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु प्यारा सा लड़का है या फिर प्यारी सी लड़की है। दोस्तों, ऐसे तो आपने गर्भ में लड़का होने के कई तरह के घरेलू लक्षणों के बारे में सुना होगा, परंतु आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम आपको दो ऐसे अनोखे लक्षणों के बारे में बताएंगे जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। अगर ये दो लक्षण आप में दिखे तो हो सकता है कि आपके घर आने वाला राजकुमार प्यारा सा लड़का ही हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ कि बेटा हो या बेटी, इन दोनों में भेदभाव बिल्कुल भी ना करें। ये दोनों आपके प्यारे संतान है, इसे हमेशा बराबर हक एवं सम्मान दें। दोस्तों, ये वीडियो आपके उत्सुकता को कम करने के लिए बनाई गई है। यह चैनल किसी भी तरह के लिंग भेदभाव को सपोर्ट नहीं करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय के दो महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में। दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि ऐसे ही प्रेगनेंसी से जुड़ी ढेर सारी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं वो दो लक्षणों के बारे में जिससे आप आसानी से पता कर सकती हो कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। दोस्तों, अब हम सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय के पहले लक्षण की बात करेंगे। तो पहला है, जैसे ही किसी महिला पहली बार गर्भधारण करती है तो गर्भधारण करते ही उन्हें तरह तरह की चीज़ें खाने की इच्छा होती है। ये सब इच्छा गर्भवती महिलाओं के शरीर में हो रहे हार्मोनल बदलाव की वजह से होती रहती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के 6 से 9 महीने के बीच यदि गर्भवती महिला खट्टी एवं नमकीन चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करती है तो यह बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है कि आपके घर आने वाला राजकुमार प्यारा सा लड़का ही होगा। दोस्तों, अब हम गर्भ में लड़का होने के दूसरे लक्षण की बात करेंगे। तो दूसरा है स्लीपिंग पोजीशन, यानी सोने की स्थिति। दोस्तों, जैसे ही गर्भवती महिला प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में प्रवेश करती है तो उन्हें 6ठे महीने से ही भरपूर आराम करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय आप अपने सेहत के प्रति जितना एक्टिव रहेगी उतना ही आपके शिशु के लिए बेहतर होगा। यदि आप प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में थकान ज़्यादा महसूस करती हो और थकान की स्थिति में आपको बाईं तरफ करवट लेकर सोने में ज्यादा आराम मिलता है तो ये संकेत इस बात की ओर इशारे करते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक प्यारा सा राजकुमार ही होगा। तो दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही प्रेगनेंसी से जुड़ी हर तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारियों के साथ।